आपस दे विच तीन यार सन ते तिन्ने ही कुंवारे, उम्र वाहवा हो गई सन ते शादी किसी की भी नहीं सी हुई। वो बड़े परेशान इस मामले दे विच भी उम्र लंघती जाती है, भी तो हुण कोई ना माड़ा जिहा आसरा कर लईए। वो तिन्ने ही बह गए ते बह के झुरन लग पे एक दूजे दे नाल कि यार सानू देनी किसे की, सानू वेखण ही कोई भी नहीं आउंदा। उन्हां सलाह कर ली ते सलाह करके एक खत लिखिया, चिट्ठी लिखी या दरखास्त लिखी वक्त दे खलीफा नूं, बादशाह नूं। तो दरखास्त दे विच लिखिया भी बादशाह सलामत, तुहाडे कोल ना रियाया दे बारे कल क्यामत वाले दिन पुछ होणी है, ते असीं तुहाडी रियाया चाहुंदे हां, ते साडा कुछ सोचो, साडा विआह कराओ। वो बादशाह जी चिट्ठी पढ़ी ना ते हसया थोड़ा जिहा। उन्हें उन्होंने तलब कर लिया ते तलब करके बादशाह कहा तुहाडा विआह करा छड़ने, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक शर्त है। इन्हें आख्या ठीक है, कबूल है, शर्त कबूल है सानू, वो देंदा ही कोई भी नहीं, तुसीं शर्त रखो असीं वह पूरी करांगे। बादशाह कहा शर्त मेरी जे अगर तुसीं पूरी करो ना, तो जिहड़ा भी तुहाडे विच शर्त पूरी करे उहदी शादी एक खूबसूरत लड़की दे नाल कीती जाएगी, अगर शर्त पूरी ना ना हुई तो बतौर सजा उहदी शादी एक बदसूरत लड़की ना कीती जाएगी। उन्हें तिना आख्या ठीक है बादशाह सलाम, तुसीं हुक्म ते करो, सानू दसो ते सही शर्त कीड़ी है। उन्हें आख्या एक बंद कमरा है, उहदे विच अंधेरा ही अंधेरा है, तुहानू उहदे विच खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, रोटी टुकर हर शाय मिलेगी। उहदे विच 30 दिन यानी कि एक पूरा महीना उहदे विच तुसां बंद रहना है, उहदे विच खिल रहे ने कोई पापड़। अगर तुहाडा किसी का भी पैर 30 दिनों के विच विच किसी का भी पैर पापड़ उत्ते आ गया ना, तो उहदी शादी बतौर सजा किसी बदसूरत लड़की नाल की जाएगी। अगर पापड़ उत्ते पैर ना ना आया, 30 दिन तुसां पूरे कर ले शर्त के मुताबिक, ऐद मुआदे के मुताबिक, तो फिर तुहाडी शादी खूबसूरत लड़कियों के नाल की जाएगी। उन्हें आख्या ठीक है कबूल है। वह तिने ही बंदे अंदर जो कमरे के वड़ गए ना, तो उन्होंने रोटी टुकरों पानी छानी लभन लग पे, है नेरा ही नेरा, पापड़ खिल रहे ने, तो बड़ा होना तो नहीं एक दूजे गल कर यार बड़े ख्याल के नाल है। वो दस एक दिहाड़े ना गए ना, तो एक बेचारे का पैर पापड़ उत्ते आ गया। उन्हें सिपाही उन्हें कोई रखिया होना कोई वो ध्यान तपे वास से ना, उन्होंने पता होगा कि किमें पापड़ के उत्ते पैर आ गया। उन्हें सिपाही ने कढ़िया तो कढ़ के आख्या बादशाह सलामत यदा पैर पापड़ उत्ते आया जी। उन्हें आख्या बतौर सजाए की शादी बदसूरत लड़की ना कर दी जाए, कर दी गई। भी दिहाड़े ना गिना तो दूजे का पैर भी ना पापड़ उत्ते आ गया, उन्होंने भी कढ़ के सिपाही ला गए, तो वो शादी भी बदसूरत लड़की ना कर दी गई। जो 30 दिन लंघ गए ना, महीना पूरा हो गया, तो एक पिछे जो रह गया से वह बड़ा खुश कि खूबसूरत लड़की ना शादी होगी। जो 30 दिन पूरे हो गए, महीना पूरा हो गया, उन्हें सिपाहियों ने कढ़िया बादशाह दे जे अगे खुआरी है सन, उन्हें आख्या बादशाह सलामत ये 30 दिन पूरे हो गए, तो अपने वादे के मुताबिक उस आख्या खूबसूरत लड़की ना शादी की जाए, वो कर दी गई। वो शामी मियाँ बीबी जो कट्ठे हुए ना बैठे, तो ये हूँ अपना दर्द लग्या सुना, आंदा मैं तेरे वास्ते बड़ी कुर्बानी की थी। वो जिहड़ा जफर जालिया सुन दसन लगा भी तेरे वास्ते ना मैं इंज इंज करदा रहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान ते आते, आखन लगा तेरे वास्ते ना मैं बड़ी कुर्बानी दी है, तो इंज इंज किया। वो पापड़ा वाला सारा किस्सा सुनाया, सू भी पापड़ खिल रहे सन, तो अंदर 30 दिन रोटी टुकर ते अंधेरा, वो सारी गल सुनाई उसू, तो आखन लगा भी चलो शुक्र अल्लाह की जात आ कि साड़ी शादी आपस हो गई, तो हुण तुसीं भी गल सुनाओ कोई। तो वह अगू ने थोड़ा जहा मुस्कराए, तो आखन लगा हसे क्यों, आंधी हसना कि असी भी 3 सहेलियां सा, तो सानू भी बादशाह ने बंद कमरे के कैद किया। तेने आख्या फिर उस आख्या मेरा पैर ना एक पापड़ उत्ते वक्तों पहला ही आ गया, लड़की भी आँदी है वक्तों पहला ही पापड़ के पैर आ गया, तां तेरे जिहा चट्टू वटा मेरे लड़ लग गया।